अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी ऑफिशियल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करें ताकि जब भी हम नया प्रोग्राम अपलोड करेंगे आप उसको उसी वक्त देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद है नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में हम आपके सवालात शामिल कर रहे हैं जो आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें हर किस्म के मौजूदात शामिल हैं। आपसे दरख्वास्त है कि सवाल भेजते वक्त उसको मुख्तसर रखिए। जी जनाब। तमकनत, आज प्रोग्राम शुरू से करने से पहले बिफोर यू आस्क मी योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। आपको याद है हमने वो प्रोग्राम किया था ऑन द क्रिश्चियंस रोल इन द पाकिस्तान? जी जी। उसमें कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि मैंने शायद कोई गलत बयान नहीं किया है या कोई हकीकत सही तरीके से बयान नहीं की, तो मैं उसको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें दो तीन इश्यूज़ थे। पहली बात तो ये है कि पंजाब असम्बली में 1947 में क्या हुआ। सवाल उस वक्त ये था कि क्या जो क्रिश्चियन का वोट था, तीन या चार क्रिश्चियंस थे असम्बली में, उनका जो वोट था उसकी क्या अहमियत थी। तो मैंने कहा था काफ़ी उनकी अहमियत थी मगर मैंने ज़्यादा वजाहत नहीं की। उससे कुछ कन्फ्यूजन ये भी हो गई कि कितने वोट से असम्बली में किसने किस तरफ कैसे वोट किया ये किया, तो मैं उसको अब क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ब्रिटिश राज ने पंजाब असम्बली में जब ये नोशनल वोटिंग करवाई, नोशनल वोटिंग, एक्चुअल वोटिंग नहीं ऑन बट नोशनल वोटिंग से मुराद ये कि उन्होंने पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उस वक्त उसको सेपरेट कर दिया। उसको ये कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको वेस्ट पंजाब असेंबली का हिस्सा बना दिया और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थी पंजाब की उनको कहा कि इनकी अलग वोटिंग होगी। तो दो मुख्तलिफ चेंबर्स के अंदर उस वोटिंग हुई। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थी उन्होंने मेजॉरिटी वहाँ ने वोट किया कि पार्टीशन पंजाब की नहीं होनी चाहिए और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थी उन्होंने वोटिंग की और वहाँ ये फैसला हुआ कि नहीं, पार्टीशन करनी चाहिए पंजाब की। इसीलिए फिर इवेंचुअली पार्टीशन हुई पंजाब की, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, एक हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, एक हमारा हिस्सा बन गया। अगर दोनों में मेजॉरिटी ये होती कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए तो पार्टीशन ना होती, और अगर ये कि पार्टीशन होनी चाहिए तो फिर पार्टीशन होती। मगर क्योंकि एक ने कह दिया कि नहीं तो वो मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए वो अलग हो गए और ये अलग हो गए। अब वो जो वेस्ट पंजाब की जो असेंबली थी जो बनाई गई थी नोशनल, उसमें चार क्रिश्चियन वोट्स थे जिसमें से कहते हैं कि तीन का वोट गिना गया, चौथा समझ नहीं आई वो कहाँ गया वोट। उसमें गालबन एसपी सिंघा साहब थे और फजल इलाही साहब थे, ये थे आपके इंडियन क्रिश्चियंस, और दो एंग्लो इंडियंस थे, जी ई गिबन एंड पी मैनुअल। तो ये चारों ने, उनमें से कहते हैं तीन ने वोट किया, चारों, चौथा को समझ नहीं आ रही, कोई लिस्ट में नाम वाम नहीं आ रहा था। तो बहरहाल दे वोटेड फॉर के पंजाब जो है उसको पार्टीशन नहीं करना चाहिए और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। मगर ऐसे नहीं हुआ, और क्योंकि पहले ही मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा था तो उनके वोट की कोई ख़ास अहमियत नहीं बनी, हालांकि उन्होंने पंजाब को फॉर नॉन पार्टीशन करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाह रहे थे। वो वैसे मेजॉरिटी थी तो इनके तीन वोट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तकरीबन 5 लाख क्रिश्चियंस थे सारे पंजाब में, जिसमें से 4.5 लाख मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में थे। तो जाहिर है कि अगर वो 4.5 लाख मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में थे तो उन्होंने वोट तो ऐसे ही डालना था ना, मगर और 50,000 दूसरे इलाकों में थे तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि इधर ही करेंगे। मगर ये ज़रूर बात सही है कि ज़्यादातर जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। सिंघा साहब और इनके दोस्त कायदे आज़म के करीब थे, और इनफैक्ट सिंघा साहब ने बाद में एक वक्त ऐसा भी बयान दिया कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बड़े करीब रिलीजन्स हैं और इसलिए हम पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे हैं, और ज़ाहिर है यही तवक्कु थी कि क्रिश्चियंस एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी उनका ख्याल रखा जाएगा। तो ये पहली क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रहा हूँ। दूसरी क्लैरिफिकेशन ये कि एफ ई चौधरी साहब एक फोटोग्राफर थे डॉन के, उनकी बड़ी अहमियत है, बाद में भी पोस्ट पार्टीशन भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। सिसिल चौधरी जो थे वो एक पायलट थे आफ्टर पार्टीशन, और मैंने उनकी जब अहमियत की बात कर रहा था तो सिसिल चौधरी और एफ ई चौधरी साहब को मिक्स कर दिया। तो सिसिल चौधरी साहब तो बाद में फाइटर पायलट थे जिनकी बड़ी शोहरत थी 1965 वॉर में, मगर एफ ई चौधरी साहब फोटोग्राफर थे, वो असेंबली को कवर करते थे। तो इसलिए जब भी जिक्र आता है क्रिश्चियंस का पाक पंजाब असेंबली का तो एफ ई चौधरी साहब का भी जिक्र आ जाता है, मगर उनका जिक्र बाद में भी आता है। तो ये भी सेकंड क्लैरिफिकेशन। थर्ड ये कि हम गिन रहे थे क्रिश्चियन कॉलेजेस और स्कूल्स
जो मिशनरीज ने इस्टेब्लिश किए थे. तो मैं कनेड भूल गया था, आपको याद होगा, आपने याद कराया कि कनेड कॉलेज भी था, मगर मैंने लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली को भी कह दिया कि वो भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन थी. एक्चुअली इट वॉज नॉट, वो क्लैरिफिकेशन आ गई है कि इट वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज. नाम उनका लॉरेंस के नाम पे था, मगर इट वॉज नॉट अ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, इट वॉज अ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो ये तीन चार क्लैरिफिकेशन थी जो मैं समझ रहा था कि ज़रूरी हैं. तो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये रिकॉर्ड जो है वो शुड रिफ्लेक्ट दिस. बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि वो भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको क्लियर कर देना अच्छी बात होती. काफ़ी लोगों ने दे सॉट क्लैरिफिकेशंस और कुछ लोगों ने पॉइंट आउट भी किया. फिर मैंने एक्चुअली आई वेंट इनटू सम डेप्थ एंड कंसल्टेड याकूब बंगश साहब, जो कि पीएचडी हैं, इज अ क्रिश्चियन स्कॉलर बट ही इज़ एक्चुअली अ सेकुलर स्कॉलर, उनको कंसल्ट किया, उन्होंने फिर ये क्लैरिफिकेशन दी. ये एक और भी चीज़ शो करती है कि लोग कितने इंटरेस्ट से ये चीज़ देखते हैं और कितनी मालूम भी रखते हैं. वेरी गुड. अच्छा जी, हम शुरू करते हैं अब पहले सवाल से, जो हमें गोवा से हमारे व्यूअर ने भेजा है, जो इंडिया पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात के बारे में है. सुनिएगा. डियर मिस तमकनत करीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू यू. दिस इज़ एस डी कामत कॉलिंग फ्रॉम गोवा, इंडिया. माय क्वेश्चन टू सेठी साहब इज़ दैट डू यू एक्सपेक्ट एनी improvement with regard to the trade relationship between India and Pakistan in the days to come? सवाल बहुत दिलचस्प है तजारत के बारे में. वो कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तजारत जो है कब शुरू होगी और कब कोई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इनका क्या सूरत हाल है. सूरत हाल ये है जी कि 1965 वॉर के उससे पहले तजारत थी, 1965 वॉर के बाद तजारत कुछ अरसे के लिए रुक गई, फिर तजारत शुरू हो गई और छोटी मोटी तजारत थी. इंडिया के ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया कम एक्सपोर्ट होती थी और बड़ी इम्बैलेंस किस्म की चीज़ थी, मगर ज़्यादा इनक्रेज नहीं किया दोनों साइड्स ने. गालबन आहिस्ता 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 ये तजारत बढ़ती गई और एक स्टेज ऐसी आ गई कि हिंदुस्तान से 3-1 अरब डॉलर्स की इम्पोर्ट थी और पाकिस्तान से 1-1 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट थी. ये तो सिलसिला चलता रहा. फिर सार्क के बेसिस के ऊपर ये डिस्कशंस हुई कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स होनी चाहिए बिटवीन द सार्क कंट्रीज़, और हर कंट्री ने इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स 90 की दिहाई में ये की. हिंदुस्तान पाकिस्तान की प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में भी ये था कि 10% रियायत दी की जाएगी कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज़ जो कि इम्पोर्ट्स हैं, और इसे कहा जाता था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस. मगर क्योंकि ये एक तरफ हम दोनों आप एक दूसरे को दुश्मन मुल्क कहते हैं हमारी रियासतें, और दूसरी तरफ मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात आई, तो वो कुछ पसंद नहीं आया लोगों को कि यार हिंदुस्तान तो दुश्मन है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे दिया जाए. अलबत्ता हिंदुस्तान ने पहले आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया था, उसका कोई इसकी मतलब कोई नहीं था, यही था कि अगर आप अमेरिका से कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 25% ड्यूटी है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ 10% कम होगी अमंगस्ट द सार्क कंट्रीज़. तो इस किस्म की बात थी, कुछ लंबी चौड़ी बात, मगर पाकिस्तान ने हकीकत तो पहचान ली मगर स्टेटस नहीं दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं दिया. तो ये कुछ अरसे चलता रहा. गालबन अब जाके सिचुएशन ये हुई कि 2013 में, जबकि 2014 में हिंदुस्तान के इलेक्शन थे और उससे कबल पाकिस्तान ने एक पूरी हिंदुस्तान के साथ नई ट्रेड ट्रीटी नेगोशिएट की. उस वक्त वहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी हिंदुस्तान में और यहाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि उस वक्त के ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और एक अच्छी ट्रेड अग्रीमेंट तय की, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की अग्रीमेंट थी कि जो कि सारे पुराने ऑब्जेक्शंस थे दोनों साइड से वो उन्होंने रिमूव कर दिए, और लंबी चौड़ी वो जो लिस्ट होती थी कि बैंड आइटम्स या ये आइटम्स के ऊपर ड्यूटीज नहीं काम होंगी, वो सिर्फ 100 आइटम्स के ऊपर ले आए उसको, बाकी सारी खुली. और ये ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने जा रही थी, और उसमें यह था कि इंडिया के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने आना था इस्लामाबाद आके और इसको साइन करना था, मगर आखिरी स्टेज पे नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि वो ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये अगली हुकूमत के साथ करेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे थे. उन्होंने कहा ये ना हो कि अगली हुकूमत आए और पसंद ना करें. और ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कुछ लोग आए थे यहाँ मिलने पाकिस्तान की हुकूमत को, उनके लोगों को, कि आप मनमोहन सिंह के साथ इसको ना साइन करें, हम आएँगे तो फिर आप हमारे साथ साइन कीजिएगा ये अग्रीमेंट. तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने फिर वो अग्रीमेंट नहीं साइन की, मगर जब नरेंद्र मोदी साहब आए तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि तल्लुकात ठीक नहीं हो रहे थे, और फिर ये जो एग्रीमेंट तैयार बैठी थी वो कभी साइन नहीं हुई.
और ये ऐसी रही। मैं काफ़ी अरसा समझता रहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो साइन कर देंगे ये, मगर फिर आपको याद है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के तल्लुकात फिर ख़राब हो गए और फिर दूर हो गए एक दूसरे से, तो वो अग्रीमेंट वहीं की वहीं पड़ी रही और वो जो जैसे एक फटी टूटी अग्रीमेंट चल रही थी कि ये आ रहा है ये जा रहा है वही चलता रहा। फिर और भी मसाइल खड़े हो गए, अफगानिस्तान की ट्रेड और हिंदुस्तान की ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान के ज़रिए क्या पाबंदियाँ थी वो भी ना उतरी, तो ये मामला चलता रहा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन रही इस चीज़ के ऊपर, वो चाहते थे उनके ट्रक्स वहाँ से आए रास्ते में, ना कोई रोके उनको सीधे हिंदुस्तान चले जाएं, और हिंदुस्तान से जो ट्रक्स से अफगानिस्तान जाना है वो कोई रोके बगैर सीधे अफगानिस्तान चले जाएं। हमने कहा नहीं, हम तो खोलेंगे चेक करेंगे दोनों तरफ से एंड सो ऑन, तो इस किस्म के इशूज़ रहे और वो ना हल हुए। अब जाके क्या हुआ है कि ये पिछले जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं बालाकोट के बाद, वो फिर ये कि आखिरी स्टेज ये आई कि जबकि ये हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया और उसको जब्त कर लिया और एक बहुत पुरानी एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया, तो पाकिस्तान की तरफ से ये फिर पेशकदमी हुई कि हम अब तजारत बंद कर देंगे हिंदुस्तान के साथ। वो दिन है और आज का दिन है, तजारत बिल्कुल बंद है। गालबन दुबई के ज़रिए भी आप हिंदुस्तान के माल नहीं मंगवा सकते, बिकॉज पहले लोग ये करते थे कि चलो यहाँ बंद हो गया तो दुबई के ज़रिए मंगवा लेते थे। अब जो नया कानून आया यहाँ वो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान, जो चीज़ हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हुई है वो आप कहीं से भी नहीं मंगवा सकते, दुबई से भी नहीं मंगवा सकते, तो गुड्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मे नॉट बी इम्पोर्टेड फ्राम एनी वेयर, तो वो अब सब कुछ ही बंद है। अच्छा, एक तो ये मसला है। अब क्या सवाल ये है कि आगे जाके ये खुलेगा या नहीं खुलेगा? देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि फॉर एवर पाकिस्तान इंडिया रिलेशन्स ख़राब रहेंगे, ये तारीख का हिस्सा है कि ऊपर नीचे होता रहा है। मेरा ख्याल है ये किसी न किसी स्टेज पे नरेंद्र मोदी साहब और शायद जो जिस किस्म के वो कदम उठा रहे हैं हिंदुत्व वाली बात जो है या दुनिया की बात सुनेंगे और फिर कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर होंगे। अभी तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं है, एम्बेसडर्स को बुला लिया गया है, हिंदुस्तान के एम्बेसडर को वापस कर दिया, हमारे वापस आ गए, कोई एम्बेसीज हैं मगर एम्बेसडर्स नहीं, और ट्रैवल भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, इंडियंस बिल्कुल वीज़े नहीं दे रहे, बहुत कम दे रहे हैं, और तो तजारत तो मैं समझता हूँ कि फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आती रिस्टोर होनी। ये ऐन मुमकिन है बिकॉज ये पाकिस्तान ने कदम उठाया, हिंदुस्तान ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं भेजेंगे, वो तो चाहते हैं उनका एक्सपोर्ट हो क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट हमारे इम्पोर्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा है, तो उनका फ़ायदा है इसमें, मगर हमने बंद कर दी। तो ये मुमकिन है कि अगर यहाँ कोई क्राइसिस आई, जैसे टमाटर की क्राइसिस आ गई है या और कोई क्राइसिस, मेडिसिन की क्राइसिस है, तो ये मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ से नरमी शो की जाए फॉर इमरजेंसी रीजंस, ये पॉसिबल है, मगर मुझे इस वक्त कोई इल्म नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है कि नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी हार्ड लाइन ली हुई है, अब ये कब जाके नॉर्मलाइज होगा या नहीं होगा ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त कहना। आपको याद रहूं कि अभी जो एशिया कप होने जा रहा है क्रिकेट में, उसमें भी इंडिया ने ये फैसला किया है कि इंडिया के अंदर ही मैचेज होंगे, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं एशिया कप के, वो इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान में नहीं खेलूँगा। अब आगे जाके वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान ने भी ये कह दिया हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो अभी तो बहुत हालात ख़राब हैं और इंडिया के अंदर भी बड़ी रेजिस्टेंस है टू नरेंद्र मोदी। अब देखना ये है कि इंडिया के अंदर किस किस्म की रेजिस्टेंस पैदा होती है, कि जो पीस मूवमेंट है उसको रिवाइव किया जाता है या नहीं किया जाता, नरेंद्र मोदी पीछे हटता है कि नहीं पीछे हटता, पाकिस्तान जो है वो क्या सूरत हाल देख के फिर क्या अपनी पॉलिसी तब्दील करता है या नहीं करता, नियर फ्यूचर में मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रहे। ये अगला सवाल खुशी ताहिर साहब का टेक्स मैसेज है और वो आज़ाद कश्मीर से हैं और वो पूछे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को माजी में भी नज़रअंदाज किया गया और ये हुकूमत और जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं अब वो भी इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी हालिया वहाँ एक जलजिला आया था उसके बाद वो कहते हैं कोई किसी किस्म की इमदाद या हमारी मदद नहीं की गई। दूसरा वो सवाल कहते हैं इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर के जो आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ हैं, वो बार बार धमकियां देते हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में, तो पाकिस्तानी हुकूमत इसको संजीदगी से क्यों नहीं ले रही? देखिए, जब पहली अर्थक्वेक बहुत बड़ी आई थी तो काफ़ी इमदाद गई थी, इंटरनेशनल इमदाद भी आई थी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बहुत कुछ किया था। अब जो अर्थक्वेक आई है इसमें इमरान खान साहब का राज है, चक्कर शो इमरान खान साहब ने लगाया है, मगर अगर वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आपने सही इमदाद नहीं दी तो मेरा ख्याल है फिर सही कह रहे होंगे, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए।
دراصل آزاد کشمیر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ پتہ نہیں وہاں کوئی پروونس ہے کون جائے گا کیا ہوگا کیونکہ ان کا ویسے بھی ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے گورنمنٹ ہے ڈفرینٹ ہے وہاں کی اپنی بھی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے ان کو بھی پورے فنڈس ملتے ہیں بجلی بڑی سبسڈائز ملتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اور اگر کسی کی یہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ سے وہ فنڈز مانگتے یا بھاگ دوڑ کرتے تو ضرور مل جاتے ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ملتے دوسری بات یہ ہے کہ جی انڈین آرمی چیف کی جو بات ہوئی تمکنت انڈین آرمی چیف ایک نہیں دو یہ دھمکیاں کافی عرصے سے دیتے آ رہے ہیں اور آج کل بڑی شرل ہو گئی ہیں یہ دھمکیاں کہ جی ہم تو آزاد کشمیر لے لیں گے یہ لینے وینے کی بات نہیں ہے یہ صرف ایک ریٹرک ہے یہ باتیں ہیں یہ تاکہ دھمکی رہے اور پاکستان کی افواج الرٹ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اس قسم کا کوئی حملہ لانچ کرے الانگ دا لائن آف کنٹرول اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے وہ کیسے ہم منہ توڑ جواب ملے گا اتنا بڑا ایڈونچر انڈیا نہیں کر سکتا وہ تو آپ نے دیکھا وہ ایک خفیہ طور پہ کہیں چلے گئے جہاز لے کے اور پھر بھاگے وہاں سے یہاں تو پوری فوجیں موو کرنی پڑ جائیں گی تو یہاں تو ٹھیک ٹھاک منہ توڑ جواب ملے گا یہ صرف باتیں ہیں بالکل کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت بڑی اٹیک ہو اور ساری آپ کی فوج کو ڈائیورٹ کرنا پڑ جائے آزاد کشمیر کی ڈیفنس کے لیے تو پھر میرا خیال ہے پھر وہ ایسکلیشن اتنی ہو جائے گی کہ وہ نیوکلیئر بھی بن سکتی ہے اور جب وہ سٹیج آئے گی تو دنیا اس کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ اتنی بڑی ایسکلیشن ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی اسٹریٹیجک اسٹرائک ادھر سے جا کے گھس کے جلدی سے کچھ کر کے بھاگ گئے وہ کریں گے تو یہاں سے پھر کچھ کر یہ ہماری طرف سے بھی جواب ملے گا وہ ایک کریں گے یہ دو کر دیں گے تو میرا خیال ہے کسی قسم کے فکر کی ضرورت نہیں ہے وہ شیلنگ ویلنگ چلتی رہتی ہے سویلینس کیجولٹیز ہوتی ہیں کبھی ہمارے جوان بھی ہو جاتے ہیں ابھی حال ہی میں یا کچھ اس قسم کی کیجولٹیز دونوں سائڈ پہ ہوئی ہیں مگر دیر از نو تھریٹ ایٹ آل انڈیا کی یہ چیفس کی جو باتیں ہیں ان کو ہم بالکل جسے کہتے ہیں رد کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ دھمکی ہمارے پہ کام کرتی ہے اور یہاں تو لوگ ہنستے ہیں کہ آؤ تو صحیح ذرا تو دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ کرے کہ جی جنگ نہ ہی ہو اچھا جی اگلا سوال لیتے ہیں عثمان بیگ صاحب نے جرمنی سے یہ بھیجا ہے اور وہ اکانومی کے بارے میں ذرا سنیے گا السلام علیکم میں عثمان بیگ فرام جرمنی میرا کویسچن یہ ہے سیٹھی صاحب کہ جو ہماری اکانومی ہے ہمیں اسے اوپن کیوں نہیں کر لیتے اوپن ٹو ایوری ون کہ کوئی بھی آئے انویسٹمنٹ کرے اور وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول ہمارا ہو اور ہمارے لوگوں کو بھی جیسے یورپ میں ہے ان کا انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے اور سیکیورٹی ہے ادھر ایسا کیوں نہیں کر لیتے اور کیونکہ ہماری اکانومی ود آؤٹ اوپننگ دا اکانومی یہ نہیں اٹھ نہیں سکتی اوپر دیکھیے عثمان بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو اوپن کر دیں تاکہ آنا جانا آسان ہو جائے فورن انویسٹمنٹ آ جائے وغیرہ وغیرہ بیگ صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی اکانومی بڑی اوپن ہے اس وقت کوئی کسی قسم کی خاص پابندی نہیں ہے آپ پیسے لے کے آئیں پیسے لے جائیں ان فارن انویسٹرز کے لیے کوئی پابندی نہیں ابھی حال ہی میں $2.5 billion ہاٹ منی آئی ہے ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں اور ہماری ٹریجری بلز کے لیے اور جب چاہے وہ واپس جا سکتی تو بالکل اوپن ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ کیپٹل کنٹرولز تھے لائسنسنگ تھی یہ تھا وہ تھا مگر اب ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں انڈیویجولز کے لیے آپ جانا چاہیں یا میں جانا چاہوں تو کسی ایک ٹرپ پہ ہم $10,000 سے زیادہ باہر نہیں لے جا سکتے اگر آپ کے پاس وائٹ منی ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری وائٹ منی ہے یہ میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے یہ میں ڈالرز میں لے جا رہا ہوں ڈالر اکاؤنٹس بھی یہاں ہیں فورن کرنسی اکاؤنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ جا سکتے ہیں اور پیسے آ سکتے ہیں ان آل ویز کیپٹل موومنٹ فری ہے ابھی بھی کوئی خاص ریسٹرکشن نہیں ہے البتہ جو پرابلم ہے کہ فورن انویسٹمنٹ یہاں کیوں نہیں آتی اس کے لیے اور بہت سے ایشوز ہیں کہ پاکستان کی رسک فیکٹر بہت ہائی ہے پاکستان گورنمنٹ پالیسیز بہت جلدی چینج ہو جاتی ہیں اینڈ سوورن گارنٹیز بھی جب ہم دیتے ہیں تو وہ بھی سپریم کورٹ ان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے سپریم کورٹ کی انٹروینشن رہی ہے جس کی وجہ سے پاور پروجیکٹس کے اوپر بڑے مسائل بنے ہیں نیب کے پروجیکٹس نیب بھی کھول لیتی ہے اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو فورن انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں آتا بہت مگر ابھی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز آف بزنس پاکستان میں بہت
فیسیلیٹیٹ کی گئی ہے, بہتر ہوئی ہے, بہتر ہوئی ہے اور بڑی داد دی ہے کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں فیسیلیٹیشن ہوئی ہے ایز آف بزنس کے لیے, کہ آپ باہر سے آنا چاہیں کاروبار کرنا چاہیں تو پہلے پتہ نہیں کوئی 50 ونڈوز میں جا کے پرمیشن لینی پڑتی تھی, اب 4-5 ہی رہ گئی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. مگر فارن انویسٹمنٹ آتی کیوں نہیں ہے, اس کے بہت سے وجوہات ہیں جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے. ٹیررزم رہی ہے, آپ کی ریپوٹیشن خراب ہے, آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس کو دنیا غور سے دیکھتی ہے اور شک سے دیکھتی ہے, اور پھر جو پہلے فارن انویسٹمنٹس آئی ہیں پاور پروجیکٹس کے اندر, اس کے اوپر بہت سے مسائل ہوئے ہیں, نیب کی انٹروینشن, سپریم کورٹ کی انٹروینشن, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اور گورنمنٹ کی سورن گارنٹیز جو ہیں ان کی کوڈی کے باہر نہیں ہے ان کی قیمت, تو یہ اس قسم کے پرابلمس ہیں. مگر ایز این اکانومی کافی اوپن ہے. ریکوڈک کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کتنا بڑا اس کے اوپر ڈیزاسٹر ہوا. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ آپ کے لڑائی جھگڑوں میں آپ کو پھر نقصان ہوا. ریکوڈک کی آپ نے بات کی, وہ کار کی ٹرکش کمپنی کی, وہ ہے, اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ نے سوورن کانٹریکٹس یا آپ کے اداروں نے, گورنمنٹ کے اداروں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, پھر ریزائل کر گیا وہاں سے, اور پھر کورٹ کیسز ہوئے ہیں, پھر وہ کورٹ کیسز باہر ہوتے ہیں, پھر وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہماری جب بھی گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو سارے کانٹریکٹ کھل جاتے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہوتے ہیں, اس کے اندر فارن کمپنیز بھی رگڑے, ان کو بھی رگڑا ملتا ہے. تو یہ اس قسم کے پرابلمس ہیں. چلیں جی اگلے سوال پہ آتے ہیں جو الیکشنز کے حوالے سے ہے, سنیے گا. نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم. محترم, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اداروں کی بے جا مداخلت نے سیاسی حالات جو بہت ہی مشکوک ہو چکے ہیں, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یا جب بھی الیکشن ہوں تو کیا آیا ووٹ ڈالنے لوگ جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ جب اس طرح کے بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہو کہ ہر شخص کی زبان پہ یہی بات ہے کہ یار الیکشن تو چوری ہو جاتا ہے, تو جب الیکشن چوری ہو جاتا ہے تو میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگلا الیکشن کوئی ووٹ ڈالنے جائے گا یا کوئی اس معاملے میں کوئی بھرپور سرگرمی دکھائے گا. تو آپ اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب کے خدشات جو ہیں وہ جائز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی الیکشن ریگنگ ہوتی ہے تو پھر اب کیا رہ گیا کریڈیبلٹی الیکشنز کی, اور وہ فکر مند ہیں کہ اگلے الیکشن جب ہوں گے تو پھر کیا اسی قسم کے مسائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں تھوڑا ریکارڈ کو کریکٹ کر دوں. الیکشنز 1970 کے الیکشنز جو ہوئے, اور اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے الیکشنز تھے, وہ تو رگڈ الیکشنز تھے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن ہی رگ کر لی اور بیسک ڈیموکریسی کر دی, وہ تو ایڈلٹ فرنچائز تھا ہی نہیں, تو وہ تو چھوڑ دیجئے آپ. اس کے بعد 1970 کے الیکشنز ہوئے, بالکل فری اینڈ فیئر تھے, انفیکٹ اتنے فری اینڈ فیئر تھے کہ بنگالیوں کی میجورٹی آ گئی, جس کی وجہ سے پھر ایسٹ پاکستان اوبلیک بنگلہ دیش کا مسئلہ بن گیا. وہ دے واز سیٹ ٹو بی دا فیئرسٹ الیکشنز ان پاکستانز ہسٹری. اچھا, اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے تو نان پارٹی الیکشنز کریے, رگ کیا, ریفرینڈم رگ کیا, تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. پھر 1985 میں بھی نان پارٹی الیکشن ہوئے, وہ بھی دے ور رگڈ ٹو برنگ دیئر لیگ ان ٹو پاور, اور محترمہ نے تو پیپلز پارٹی نے تو بوائک آؤٹ کر دیا تھا. آگے اس وقت دو ہی سیاسی جماعتیں تھیں. آگے آئیے, اس کے بعد 88 میں الیکشنز ہوئے. 88 میں الیکشنز بھی اسٹیبلشمنٹ نے رگ کیے تھے, اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے, اور 90 کے الیکشنز بھی انہوں نے رگ کیے تھے, کیونکہ 88 میں کیے تھے کہ بینظیر کو میجورٹی نہ ملے, اوور ویلمنگ میجورٹی تو پھر بھی ملی مگر اوور ویلمنگ میجورٹی نہ ملے, پنجاب میں گڑبڑ ہوئی تھی اور انہوں نے میک شیور کیا تھا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں. اسٹیبلشمنٹ حمید گل صاحب تھے, پریزیڈنٹ اسحاق تھے, تو ظاہر ہے انہوں نے بینظیر کو کھلا کھاتا تو نہیں دینا تھا. 90 کی جو الیکشن ہوئی وہ تو اب ٹریک ریکارڈ آ گیا ہے کہ الیکشن کو رک کیا گیا, پہلے بینظیر کو نکالا گیا پھر رک کیا گیا تاکہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے, اور وہ تو اب اسد درانی صاحب اور جنرل بیگ اور وہ سارا کیس بنا ہوا ہے اصغر خان صاحب کا کہ 1990 کے الیکشن رگ ہوئے, پیسے دیے گئے آپ کو یونس حبیب, وہ سب چیزیں آپ کو یاد ہے, مہران بینک, یہ وہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے بعد 93 کے الیکشنز ہوئے, وہ فیئر الیکشنز تھے, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا 93 کے جو الیکشنز تھے. اس میں محترمہ پھر واپس آ گئیں کیونکہ میاں صاحب کو نکالا تھا تو محترمہ ہی نہیں آنا تھا. اس کے بعد 96 کے الیکشنز ہوئے, اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں لگا, وہ بھی جنرلی سپیکنگ فیئر تھے, کیونکہ محترمہ کو نکالا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ نے محترمہ کو نکالا ہے تو میاں صاحب کو ووٹ دینا چاہیے, کوئی وہی آئیں گے, تو وہ میاں صاحب آ گئے. اب اس کے بعد 99 کے بعد تو خیر کو ہو گیا, پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور چلتا رہا. تو اب آئیے 2008 کے الیکشن. دلچسپ بات یہ ہے کہ 2008 کے الیکشن میں اگر کسی نے الزام لگایا کہ ریگنگ ہوئی ہے تو
तो वो इल्ज़ाम लगाया चौधरी परवेज इलाही साहब ने कि मेरे हमारी क्यों लीग के खिलाफ उड़ गए थे वो तो। हाँ कि वो हमें ज़्यादा वोट मिलना था मगर ये क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ था कि मोहतरमा के साथ कोई डील हो गई थी NRO टाइप चीज़ थी इसलिए उनको लाना था। तो चौधरी परवेज इलाही का ये कहना है कि उनके साथ हाथ हो गया था। उसके बाद 2013 के इलेक्शन पीपल्स पार्टी अंडर जरदारी साहब वैसे ही पिट गई थी और कोई इलेक्शन रिगिंग की ज़रूरत नहीं थी तो वो नून लीग आ गई। 2013 में इमरान खान साहब ने एक साल तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इलेक्शन फेयर थे या नहीं थे मगर 2014 में जाके जब उन्होंने धरना शुरू करना था तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2013 के इलेक्शन जो रिग्ड थे। पहले 4 सीटों की बात की फिर 35 पंचर की बात की फिर मुझे भी मुलव्वस कर दिया उसके अंदर। फिर एक जुडिशल कमीशन बनी अंडर एन एक्स चीफ जस्टिस जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके होना चाहिए उनको उसका सरबरा होना चाहिए तो वो फिर 4 या 6 महीने वो चली। उसके बाद उसकी फैसला आया जिसके उन्होंने सारा रिकॉर्ड एग्जामिन किया और उस उन्होंने ये फैसला था कोई इलेक्शन रिगिंग नहीं हुई। तो 2013 की जो इलेक्शन थी वो इट वाज देन अ फेयर इलेक्शन। इररेगुलरिटीज हुई 2-3 सीटों में मगर कोई कंस्पिरेसी नहीं थी टू रिग इट। तो ये 2013 की कहानी थी। 2018 में इल्ज़ाम बहुत सीरियस किस्म के लगे जो अभी तक लग रहे हैं कि इमरान खान सेलेक्टेड हैं और RTS सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया ये हो गया वो हो गया तो बहुत से सवाल खड़े हो गए। अगला सवाल ये है कि जी आगे जाके क्या होगा। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हो रही हैं इलेक्शन तो अभी सामने नहीं नज़र आ रही मगर उससे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी कंस्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के ऊपर भी इश्यूज़ बनेंगे और भी इंडिपेंडेंट किस्म के ऑब्जर्वर्स। अब बात सही है कि इलेक्शंस के ऊपर इतने बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और हर किस्म के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं तो अब देखना ये है कि आगे जाके क्या होता है। और हमारी उम्मीद तो यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए और जितने भी अच्छे इंतज़ाम किया जाए वो बेहतर है इत्तेफाक के साथ किया जाए अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के ये फैसला करें और अगर उसके बाद कोई घपला होता है तो फिर उसको देखा जाएगा मगर इलेक्शन तो होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए जी हमें तो अब बुरी आदत पड़ गई है जाके वोट डालने की। अच्छा जी अगले सवाल पे आते हैं। ये दो लोगों ने शाहिद साहब हैं UAE से और वकास अकबर साहब हैं मुल्तान से और दोनों के सवाल जो हैं वो चौधरी निसार के बारे में सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम नजम सेठी साहब आप अंतनज़र करीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद बोल रहा हूँ UAE से। मेरा नजम सेठी साहब से ये सवाल है कि चौधरी निसार का आने वाले दिनों में क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की सियासत में चौधरी निसार का क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान की आने वाली सियासत में क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहेंगे या नवाज शरीफ के साथ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास अकबर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मेरा सवाल है कि ये मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं कि जी चौधरी निसार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे तो वो नाकाम हो गई है शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ को नहीं मना सके तो और चौधरी निसार जो हैं वो अब नहीं शामिल हो रहे मुस्लिम लीग में फ़िलहाल तो इस पर आपकी क्या राय है या आपके पास इस पर क्या खबर है कि ये सही दुरुस्त बात है या बस ऐसे ही अफवाह है। शुक्रिया जी। चौधरी निसार साहब ने नेशनल असेंबली भी लड़ी थी और प्रोविंशियल भी लड़ी थी प्रोविंशियल की सीट वो जीते थे मगर उन्होंने ओथ नहीं लिया जाके तो अभी सिचुएशन क्या है ये तो कानूनी तौर पे मुझे नहीं पता मगर मेरा ख्याल है कि वो जब अगर अभी भी जाके वो ओथ ले सकते हैं अभी भी वक्त है तो वो प्लेयर तो हैं मगर क्या उनका रिश्ता नून लीग के साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा उनके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान काफ़ी कशीदगी रही है। शहबाज शरीफ साहब उनके अच्छे तलकात हैं मगर वो अंडरग्राउंड ही हैं एक किस्म के वो पब्लिक में नहीं आ रहे। अभी हाल ही में कुछ बातें शुरू हुई कि चौधरी साहब शायद फिर निकलें क्योंकि अब पंजाब में तब्दीली की बात आ रही है यहाँ तक बातें हुई कि PTI को शायद वो ज्वाइन कर लें और ये भी हमें मालूम है कि उनका ज़ाती तौर पर जो तलकात हैं इमरान खान साहब से अच्छे हैं। आपको याद होगा धरने के दौरान वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और खान साहब धंधन आ रहे थे तो वो खान साहब को हर हफ्ते के महीने के बाद थोड़ी सी और इजाज़त दे देते थे याद है बिल्कुल कि आप थोड़ा और आगे आ जाओ थोड़े से और आगे आ जाओ तो और वो एचसोनियंस हैं दोनों और बड़े इस किस्म की बात भी है मगर क्या वो अब नून लीग को छोड़ के PTI ज्वाइन करेंगे। देखिए सियासत में हर चीज़ पॉसिबल है मगर चौधरी साहब कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट से वो रब्ता ना कर लें। मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या कहूँ। अगली बात यह कि क्या उनका रिश्ता नवाज शरीफ साहब बन सकता है नहीं उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब अब छोटा मोटा रोल तो अदा करने के लिए तैयार नहीं है
انٹیریئر منسٹر وہ رہ چکے ہیں، اب وہ اس کے بعد وہ پنجاب بھی کئی چیف منسٹر بن سکتے ہیں، اس سے کوئی کم بات تو وہ نہیں مانیں گے، مگر اب پنجاب کے لیے جو کنٹینڈرز ہیں وہ شہباز شریف صاحب تو اب پنجاب سے اوپر چلے گئے نا، مگر اب پنجاب کے لیے جو کنٹینڈرز ہیں اس میں حمزہ بھی ہے، اس میں مریم بھی ہے، نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، تو اس قسم کی سچویشن ہے، میرا نہیں خیال نون لیگ کی طرف سے ان کو کسی قسم کی اہمیت ملے گی، البتہ پی ٹی آئی کی طرف سے مل سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک خان نثار خان صاحب کے چوہی صاحب کے کوئی خاص سٹینڈنگ نہیں ہے اس وقت کے جو کیو لیگ ہے یا اس وقت کی جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی یہی چاہے گی اگر بزار صاحب جاتے ہیں تو ان کی طرف سے ہی کوئی بندہ اس سے ہوں، اور اگر ان کی طرف سے نہیں ہونا تو پھر چودھری صاحب بیٹھے ہیں، اور اگر چودھری صاحب نے بھی نہیں ہونا تو پھر عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے، تو پھر شہباز شریف صاحب کوئی بندہ لگے گا یہاں، اور وہ کون ہوگا وہ پھر اگلی کسی وقت بات کریں گے جب ایسی صورتحال ہوگی، کیونکہ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے کوئی بندے تیار کیے ہیں۔ چودھری نثار کے لیے تو کوئی یعنی اچھی خبر کوئی نہیں ہے اس وقت، نہیں کیونکہ ہمیں بے شمار سوالات آتے ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہ سارے سوال لے نہیں پاتے، اس کے لیے آپ سے معذرت، مگر آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں اور کوشش یہ کیجئے کہ آڈیو اور ویڈیو میسیجز بھیجیں جس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، اور سوال مختصر رکھیں، اپنا نام اور جگہ ضرور بتائیے، پھر آپ سے ہوگی ملاقات، خدا حافظ۔